हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और ये नीट के परस्पेक्टिव से बनाया गया है। ये बहुत ही शॉर्ट नोट है, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करूंगा। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगा। आज सिर्फ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, आगे मैं इसको पार्ट्स में कवर करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ह्यूमन कैसे होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन, जो उसमें बर्थ होता है, विवीपेरस और यूनिसेक्सुअल होते हैं हम लोग। मतलब हमारे में मेल अलग और फीमेल अलग होता है। ठीक है, तो मेल के पास हमारे में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी होता है। तो हमारा जो मेल है, मेल में टेस्टिस, टेस्टिस क्या बनाता है, वो बनाता है स्पर्म को, और फीमेल में ओवरी होता है। ओवरी क्या बताता है, वो हमारा बनाता है ओवम को। ठीक है, तो जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो हमारा बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और, इसमें क्या होता है कि हमारे में दो तरीके के डिवीजन होते हैं। पहला होता है माइटोसिस डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस डिवीजन। तो जो माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। और जो मियोसिस होता है वो हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो कुछ इवेंट हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या क्या इवेंट उसमें आते हैं। तो पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो हमारे गैमेट कौन से, एक हमारा स्पर्म और एक हमारा ओवा। ठीक है, तो स्पर्म का और ओवा का बनना। ठीक है, देन होता है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन में क्या होता है, रिलीज ऑफ सीमन इनटू वेजाइनल ट्रैक्ट। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जब हमारा स्पर्म और ओवा मिलता है तो उसमें फ्यूजन हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर हम करते हैं, फिर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट क्या, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है इम्प्लांटेशन, जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा बना रहता है वो हमारा अटैच होने के लिए चला जाता है यूटेराइन वॉल से, उस चीज को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद आता है हमारा जेस्टेशन। जेस्टेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, देन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में हमारा डिलीवरी टाइम आता है। सेक्सुअल इवेंट स्टार्ट एट प्यूबर्टी। फिर हम आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्या करता है, प्रोड्यूस गैमेट एज वेल एज सेक्स हार्मोन। ठीक है, क्या करता है, गैमेट को भी प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन्स को भी बनाता है। ठीक है, फिर हम गोनाइड्स पे आते हैं। तो हमारे मेल में गोनाइड होता है हमारा टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म और ओवरी प्रोड्यूस करता है ओवम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट है, जैसे कि टेस्टिस, उसके एसेसरीज, डक्ट, एसेसरी मतलब जो इंपॉर्टेंट है, एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटीलिया हमारा पेनिस। तो टेस्टिस पे आते हैं। तो टेस्टिस जो होता है हमारा वन पेयर होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इनटू स्क्रोटम सैक। ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो किसमें प्रेजेंट होता है, टेस्टिस स्क्रॉटम सैक में प्रेजेंट होता है। तो ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो हमारा इनसाइड, जो एब्डोमेन कैविटी में अगर प्रेजेंट होता तो इनसाइड बॉडी टेम्परेचर हमारा काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। इसी रीजन से जो हमारा टेस्टिस होता है वो बाहर स्क्रॉटम सैक में प्रेजेंट होता है। और देखिये, टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और हमारा टेस्टिस किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। हमारे टेस्टिस की लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा टेस्टिस होता है वो डिसेंड हो जाता है 7th मंथ में फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। कौन से मंथ में डिसेंड होता है, 7th मंथ में, जब चाइल्ड वूम्ब में रहता है तो उसके 7th मंथ में टेस्टिस जो होता है हमारा डिसेंड कर जाता है फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम टू डू स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इफ द वन और मोर और बोथ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन टू स्क्रोटम, अगर हमारा एक या दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में आने से फेल कर जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम है स्पर्म बनाना और हार्मोन बनाना, जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट। हर एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल या फिर टेस्टिकुलर लोब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए,
हमारा एक ही कंपार्टमेंट है, ठीक है, अभी हमारा कंपार्टमेंट है, तो इस कंपार्टमेंट को हम बोल देंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है हमारा तीन हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक से तीन हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोल दिया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोल दिया, ठीक है। देन हम आते हैं लेयर्स ऑफ टेस्टिस पे, तो हमारी लेयर ऑफ टेस्टिस, जैसे मानिए टेस्टिस है, ठीक है, तो ये टेस्टिस है, तो अब इस टेस्टिस का क्या होगा, जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो इसमें तीन लेयर दिखाई देगी, ठीक है। तो पहली वाली लेयर का नाम होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस, क्या नाम होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, और उसके बीच वाली मिड वाली लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो लास्ट वाली लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, जैसे मानिए आपने उसको बीच से काट दिया, तो उसको बीच से काटने के बाद क्या होगा, हमारा एक कंपार्टमेंट होगा इसमें, तो जो हमारा कंपार्टमेंट होगा उसके बीच में, अभी मैंने आपको बताया कि एक से तीन हमारे क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो देखिए वैसे ही ये कंपार्टमेंट्स हैं, उसके बीच में क्या हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो वो देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, तो ये जो ब्लू ब्लू कलर के जो आप देख रहे हैं, जो ब्लू ब्लू कलर के हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है हमारे, इसके बीच में प्रेजेंट है हमारे कुछ सेल्स। अब ये सेल्स जो इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब जो दो सेमनीफेरस तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है इनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल। तो जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो इसमें क्या होता है, हमारा सर्टोली सेल होता है और स्पर्म सेल होता है, क्या होता है, इसके अंदर हमारा या तो एक इसमें स्पर्म सेल होता है और दूसरा सर्टोली सेल होता है, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं उसको हम सस्टेना पुलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारा ये स्क्रोटम है, ठीक है, ये हमारा स्क्रोटम है, अब इसके अंदर जो है हमारा, इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर हमारा टेस्टिस होगा, ठीक है, तो स्क्रोटम से ये नीचे साइड में जुड़ा रहता है एक मसल से, उस मसल्स को बोलते हैं हम गुवर्नेकुलम, क्या बोलते हैं, गुवर्नेकुलम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्टिस है ये ऊपर साइड में जुड़ा रहता है एब्डोमिनल कैविटी से, ये ऊपर साइड में जुड़ा रहता है एब्डोमिनल कैविटी से, कौन सी कनाल से, इंग्विनल कनाल से जुड़ा रहता है, कौन सी कनाल से जुड़ा रहता है, इंग्विनल कनाल से, और इस इंग्विनल कनाल के अंदर क्या होता है हमारा स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है, क्या होता है, स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है, और यही स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या करता है, इसको एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ता है, ठीक है, क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ता है ये स्पर्मेटिड कॉर्ड, ठीक है। अब तो ये बात होगी, अब ये देखिए, अब ये जो टेस्टिस है हमारा, ये साइड साइड में जिस मसल से जुड़ा रहता है ना, इसको बोलते हैं डार्टोस मसल, क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल बोलते हैं, और ये कैसी मसल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होती है, तो ये जो नीचे जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं गुवर्नेकुलम, और साइड साइड में जिस मसल से जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं डार्टोस मसल। इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं, हमने पीछे देखा कौन कौन से, स्पर्म सेल और सर्टोली सेल, या फिर सर्टोली सेल को हम किस नाम से जानते हैं, सस्टेनाकुलर सेल, ठीक है। सर्टोली सेल क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, किसको प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग स्पर्म को, स्पर्म सेल को क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कि वो अच्छे से ग्रो हो सके, ठीक है। और जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं। इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन, किसको सिक्रीट करेगा, एंड्रोजन, जो क्या है हमारा मेल सेक्स हार्मोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, क्या है, टेस्टोस्टेरोन। फिर हम आते हैं कुछ अपनी एक्सेसरी डक्ट पे, किस पे आते हैं, एक्सेसरी डक्ट पे आते हैं, तो एक्सेसरी डक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, रेटी टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे तो रेटी टेस्टिस, फिर वासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंस, देन एजुकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद से पेनिस, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे एक्सेसरी डक्ट है, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और एजुकुलेटरी डक्ट। तो जैसे कि आप देखिए हमारे यहाँ पे टेस्टिस का डायग्राम है, तो टेस्टिस का डायग्राम यहाँ पे ऐसे मैंने साफ सुथरा बनाया है कि आप इसको बाद में नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, फिर पढ़ने का काम है, जैसे मैं आपको फिर से यहाँ पे बना दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ये हमारा ऐसे पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, जो कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारा क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, कितने, एक से तीन होंगे, ठीक है,
एक से तीन होंगे, तो ये क्या करेंगे, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और स्पर्म सेल बनाएंगे, ठीक है। डेवलपिंग स्पर्म को क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो स्पर्म कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा रेटिस स्ट्रेचेस में। अब हर जगह से रेटिस स्ट्रेचेस लिख देगा, तो ये रेटिस स्ट्रेचेस में आ गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा रेटिस स्ट्रेचेस से कहाँ चला गया, ये आगे एक और डक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस डक्ट को बोलेंगे हम क्या, वास डिफरेंस, जो कि एक सिंगुलर डक्ट होगी सबसे मिल करके निकलेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, वासा इफरेंसिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वासा इफरेंसिया। फिर वासा इफरेंसिया से कहां आ जाएंगे ये लोग, वासा इफरेंसिया से आ जाएंगे एपिडिडाइमस में, कहां आ जाएंगे एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के हमारे तीन रीजन होते हैं, कितने रीजन होते हैं, एपिडिडाइमस के हमारे तीन रीजन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकल के कहां गए, रेटिस स्ट्रेचेस में गए, रेटिस स्ट्रेचेस से कहां गए, वासा इफरेंसिया में, वासा इफरेंसिया से एपिडिडाइमस में, फिर एपिडिडाइमस से कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे वास डिफरेंस में, कहां चले जाएंगे, वास डिफरेंस में, ठीक है। देखिए तो स्पर्म कहां गया सबसे, फिर देखिए स्पर्म जो होता है हमारा एपिडिडाइमस में जाएगा। एपिडिडाइमस हमारा कैसा होता है, पेयर्ड होता है, कैसा होता है, पेयर्ड होता है। जैसे एक टेस्टिस से हमारा कितना एपिडिडाइमस निकलता है, एक, फिर दूसरे वाली टेस्टिस से दूसरा वाला एपिडिडाइमस, तो दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, लॉन्गेस्ट डक्ट होता है हमारा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये डीकैपेसिटेशन करता है। डीकैपेसिटेशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट द हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड पे किसका डिपोजिशन करता है, कोलेस्ट्रॉल का, कि और जब उसके हेड पे जब वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करता है तो हमारा स्पर्म कैसा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, कैसा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, और उसको मोर्टेलिटी मिल जाती है। तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, एपिडिडाइमस कैसा होता है हमारा, पेयर्ड होता है, हाईली कोल्ड होता है, लॉन्गेस्ट डक्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, डीकैपेसिटेशन करता है। डीकैपेसिटेशन मतलब डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट द हेड ऑफ स्पर्म, मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कहां पे करेगा, ये स्पर्म के हेड पे करेगा। उससे क्या हो जाएगा, स्पर्म हमारा मेच्योर हो जाएगा एंड गेट मोर्टेलिटी, ठीक है। अब आते हैं वास डिफरेंस पे, तो जो हमारा वास डिफरेंस है वो भी कैसा है, हमारा पेयर्ड स्ट्रक्चर है, कैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसे देखिए एक टेस्टिस से निकला एक एपिडिडाइमस, फिर उससे निकला क्या, वासा डिफरेंस, फिर दूसरा टेस्टिस से दूसरा एपिडिडाइमस, तो एपिडिडाइमस क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। वैसे ही उस दूसरे वाले टेस्टिस से भी क्या निकलेगा, दूसरा वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस हमारा कैसा होगा, पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है, हमारा जो स्पर्म रहता है वो 3 मंथ तक स्टोर रहता है, क्या होता है, यहाँ पे 3 मंथ तक स्पर्म स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद से वास डिफरेंस की ओपनिंग पे जो वो होता है स्वेलअप रहता है, थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। वास डिफरेंस की ओपनिंग कैसी होती है, थोड़ी सी फूली हुई रहती है, स्वेल की हुई रहती है, तो उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं एम्पुला, क्या बोलते हैं उसकी ओपनिंग को, एम्पुला बोलते हैं। एट द ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस इट स्वेलअप एंड नोन एज एम्पुला, ठीक है। वास डिफरेंस स्पर्म मिक्स विद सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन, ठीक है। क्या करता है, जैसे देखिए वास डिफरेंस से हमारा क्या निकला, वास डिफरेंस से हमारा निकला स्पर्म, ठीक है, क्या निकला, स्पर्म निकला, और वो फिर किससे मिक्स कर जाएगा, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से मिक्स कर जाएगा, किससे मिक्स करेगा, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से मिक्स करेगा, ठीक है। और ये कहां मिक्स करता है, एजुकुलेटरी डक्ट में मिक्स करता है, कहां मिक्स करता है, एजुकुलेटरी डक्ट में मिक्स करता है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए सेमिनल वेसिकल प्लस वास डिफरेंस इक्वल्स टू एजुकुलेटरी डक्ट, उसके बाद हमारा क्या आएगा, यूरेथ्रा आएगा। यूरेथ्रा में हमारा किसका सिक्रीशन मिलता है, वहां पर मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है। और देखिए यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में कम होती है, ठीक है। यूरेथ्रा की लेंथ किसमें ज्यादा होगी, मेल में ज्यादा होगी और फीमेल में कम होगी। जितना पढ़ते हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो हमारा वास डिफरेंस होता है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वहां पे हमारा जो स्पर्म होता है 3 महीने तक स्टोर रहता है, ठीक है। और वास डिफरेंस की ओपनिंग कैसी भी रहती है, फूली हुई रहती है, तो उसकी ओपनिंग को हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। और वास डिफरेंस से स्पर्म निकलने के बाद, ठीक है, कहां पे जाता है, सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन के साथ क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा, ठीक है। और कहां पे मिक्स करेगा, देखिए वास डिफरेंस, ठीक है, और सेमिनल वेसिकल दोनों मिलकर के क्या बना लेती हैं, इजेकुलेटरी डक्ट बना लेती हैं, क्या बना लेंगी, इजेकुलेटरी डक्ट। और यहीं पे क्या हो जाएगा, स्पर्म मिक्स करेगा किसके साथ, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा, फिर देखिए यूरेथ्रा क्या है, इट हैज एन इरेक्टाइल टिश्यू, यूरेथ्रा के पास इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। जैसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्पोरोसा स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा
कैवरनोसा, ठीक है, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवरनोसा, ठीक है। ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इरेक्शन। इरेक्शन किसे कहते हैं, इरेक्शन कहते हैं इनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ पीनिस, ठीक है। उसके बाद से सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल हमारा कैसा होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट एसेसरी ग्रैंड है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी मिलती है, मतलब ये फ्रक्टोज का सिक्रीशन करता है, सिट्रिक एसिड का सिक्रीशन करता है और प्रोस्टा ग्लैंडिंस का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है, फ्रक्टोज का, सिट्रिक एसिड का और प्रोस्टा ग्लैंडिंस का, ठीक है। और देखिए सेमिनल वेसाइकल का जो हमारा सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन सिक्रीशन होता है। कैसा सिक्रीशन होता है, एल्कलाइन सिक्रीशन होता है। अब देखिए हम आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैसा है, अनपेयर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये किसका सिक्रीशन करता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये किसका सिक्रीशन करेगा, प्रोस्टा ग्लैंडिंस का सिक्रीशन करेगा, मतलब कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे आते हैं, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या, कौन सा ग्लैंड कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमारा कैसा होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, मतलब ये क्या करेगा, जैसे मानिए आपके यूरेथ्रा, हम लोग के पास मेल में क्या होता है कि मेल के पास यूरेथ्रा होता है, उसी पैसेज के थ्रू यूरिन भी जाता है और उसी पैसेज के थ्रू स्पर्म भी जाता है। अब जैसे मानिए यूरिन पहले गया, तो यूरिन क्या कर देगा, यूरेथ्रा को एसिडिक पीएच प्रोवाइड कर देगा, एसिडिक बना देगा। तो फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या वर्क होता है कि मानिए यूरिन गया है तो जो एसिडिक बना रहता है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिक पैसेज को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर उसके थ्रू स्पर्म आराम से जा सकता है, मतलब स्पर्म नहीं मरेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज द एसिडिक पैसेज ऑफ यूरेथ्रा लुब्रिकेट पेनिस, ठीक है। तो फिर से एक बार इसका रिविजन करते हैं, तो यूरेथ्रा हमारा कैसा, इट हैज इरेक्टाइल टिश्यू नोन एज कॉर्पोरस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कॉर्बोनोसा, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसके पास हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इरेक्शन। इरेक्शन कौन सी प्रोसेस होती है, इनलार्जमेंट इन अ साइज ऑफ पीनिस। जो सेमिनल साइकिल होता है हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड है, लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड है, फ्रक्टोज मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए, और सिट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिंस का और ग्लैंडिंस का सिक्रीशन करता है। और इसका सिक्रीशन कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा अनपेयर्ड है, प्रोस्टाग्लैंडिंस का सिक्रीशन करता है, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा प्रोवाइड करता है। देखिए हमारा जो पैसेज है, जो हमारा पैसेज का पासेस, स्पर्म पासेस का क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारा स्पर्म सेल कहां, फिर वहां पे नोरिशमेंट प्रोवाइड करके हल्का सा, फिर वो रेटिस टेस्टिस में आता है, रेपिड टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमस में जाएगा। कहां जाएगा, एपिडिडाइमस में जाएगा। तो एपिडिडाइमस के हमारे तीन पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्पोट, फिर होता है दूसरा कार्पस और तीसरा होता है कॉडल। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया, कॉर्पोट एपिडिडाइमस, दूसरा पार्ट हो गया कॉर्पस एपिडिडाइमस और तीसरा हो गया कॉडल एपिडिडाइमस, ठीक है। फिर उसके बाद से एपिडिडाइमस से कहां निकलेगा, वास डिफरेंस में निकलेगा। वास डिफरेंस से कहां जाएगा, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। एम्पुला किसे कहते हैं, ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस। ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस हमारी कैसी होती है, फूली हुई रहती है, तो उस फूले हुए स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्पुला। फिर वहां से वास डिफरेंस से निकल करके यूरेथ्रा में जाता है, तो यूरेथ्रा के भी हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, फिर पिनाइल यूरेथ्रा, और पिनाइल यूरेथ्रा से मिएटस। मिएटस मतलब उसका जो ओरिफेस होता है, छेद होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसके फेस को, तो पहला हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस से वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया से एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के तीन पार्ट, जैसे कि पहला पार्ट हो गया कॉर्पस एपिडिडाइमस, दूसरा हो गया कॉर्पस एपिडिडाइमस, तीसरा हो गया कॉडल एपिडिडाइमस। फिर देन वास डिफरेंस एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा के भी हमारे थोड़े बहुत पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट हो गया ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, दूसरा हो गया पिनाइल यूरेथ्रा और तीसरा हो गया यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे, आपको थोड़ा बहुत समझने के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे मानिए ये हमारा यूरेथ्रा इतना, ठीक है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, देन उसके बाद से साइड साइड में दो टेस्टिस है। दो टेस्टिस से क्या निकले हैं, हमारा वास डिफरेंस निकला है दोनों साइड से, और ये वास डिफरेंस यूरेटर से घूम करके, यूरेटर ये हमारा यूरेटर है, तो यूरेटर से क्या करेगा, ये जाएगा ऐसे और यहां से घूम करके इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन यहां पे आएगा तो ये सेमिनल वेसाइकल से मिल करके क्या बनाता है, इजेकुलेटरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है, इजेकुलेटरी डक्ट बनाएगा। देन आगे प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहां पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद से यूरेथ्रा से जो हमारा स्पर्म है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। देन आते हैं, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखिए, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारा क्या करता है, कंटेन करता है सर्टोली सेल को और एफएसएच को। एफएसएच क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, एफएसएच हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। सर्टोली सेल को हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं और सस्टेना कुलर सेल भी कहते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल हमारा क्या करता है, इनहिबिन को
प्रोड्यूस करता है। इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच के लेवल को डिक्रीज करता है। जैसे मानिए स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो गई, तो अब उसको क्या करने का, कोई उसको स्टॉप करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो सर्टोली सेल क्या करेगा, इनहिबिन को निकालेगा। इनहिबिन क्या करेगा, एफएसएच के लेवल को ही उसके लेवल को डिक्रीज कर देता है। जब एफएसएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस भी, उसके लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हमारा सर्टोली सेल क्या करता है, ब्लड टेस्ट बैरियर बनाता है, एबीपी को प्रोड्यूस करता है। तो एबीपी क्या, हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, जितना टेस्टोस्टेरोन बाहर बनता है उसको सेल के अंदर लाएगा। क्या करेगा, जितना टेस्टोस्टेरोन हमारा बाहर बनेगा उसको सेल करके अंदर लेके आएगा। और एंटी मुलेरियन फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या है, इट डोंट अलाउ टू डू फॉर्मेशन ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस इन मेल। क्या ये क्या नहीं करने देता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर जो होता है हमारा, यूट्रस और ओविडक्ट नहीं बनने देता है मेल के अंदर, ठीक है। जब मेल हमारा फीटस स्टेज में रहता है तो उस स्टेज में क्या करते हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर निकलेगा, वो अलाउ नहीं करेगा कि ओविडक्ट यूट्रस का फॉर्मेशन हो पाए। देन हम आते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल पे। तो जो हमारा इंटरस्टिशियल सेल है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, ये एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को। तो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना। और क्या होता है, लो पिच वॉइस विद प्रोमिनेंट लैरिंग। जैसे मानिए प्यूबर्टी आती, तो प्यूबर्टी के बाद से क्या होता है, प्यूबर्टी में क्या हो जाता है कि जो मेल होते हैं उनमें क्या हो जाता है, उनकी जो वॉइस होती है वो लो पिच हो जाती है और उनके लैरिंग्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है, कहां पे, फेस पे और चेस्ट पे। उनके शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं। उनकी जो पेल्विस होती है नैरो हो जाती है। अब पेल्विस नैरो क्यों होती है, क्योंकि हम लोग को बर्थ, बेबी का बर्थ नहीं करना रहता है, ठीक है। और हम लोगों जो मेल होते हैं उनके बीएमआर जो होती है हाई होती है, ठीक है। उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और अंडर डेवलप मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक टेबल बना दिए, कुछ जैसे हमारे टेस्टिस में कुछ पार्ट्स हैं और फिर उसके फंक्शन। जैसे कि हमारा टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। और फिर उसके बाद से एपिडिडाइमस क्या करता है, मैच्योर एंड स्टोर स्पर्म डक्ट, ठीक है। क्या करता है, कैरीज स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा, ठीक है। और इसके बीच में कितने डक्ट आते हैं ये आपको पता है, रिटिस टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, देन उसके बाद से एपिडिडाइमस के बाद से वास डिफरेंस, ठीक है। फिर सेमिनल वेसाइकल, कॉपर्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। फिर उसके बाद से कुछ ग्लैंड आते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड विच फीड द स्पर्म एंड अलाउ देम टू स्विम। देन यूरेथ्रा क्या करता है, अलाउ द पैसेज ऑफ आइदर यूरिन और स्पर्म, ठीक है। यूरेथ्रा क्या करेगा, यूरिन के लिए भी पैसेज का काम करता है और स्पर्म के लिए भी पैसेज का काम करता है। देखिए पेनिस क्या है, प्लेज स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इनसेमिनेशन। ये इनसेमिनेशन में हेल्प करता है। स्पोरोटम क्या करता है, हमारे टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखता है और क्या करता है, लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है किसको, टेस्टिस को। कीप टेस्टिस एट लोअर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मियोसिस टू अकर। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लेते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में उसका हेड आता है, नेक आता है, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया और फिर टेल, ठीक है। तो हेड में क्या होता है, उसके एक्रोसोम होता है और न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम जो होता है फर्टिलाइजिंग एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेड अप ऑफ मॉडिफाइड गोल्जी अपरेटस। एक्रोसोम जो होता है किससे बना रहता है, मॉडिफाइड गोल्जी अपरेटस से बना होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के पास कंटेन क्रोमोसोमल मटेरियल, न्यूक्लियस हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल को कंटेन करता है। जैसे कि उसमें कैसे क्रोमोसोम होते हैं, 22+X होता है और एक 22+Y होता है। आप इसको 44XY भी कह सकते हैं, ठीक है, 44+XY भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बीच में हमारा एनर्जी का काम करता है। फिर सबसे जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्पर्म का, वो होता है उसका टेल। तो टेल क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये विपलेस मूवमेंट को शो करता है और मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल, किसका बना रहता है, माइक्रो ट्यूब्यूल का बना रहता है, ठीक है। देन आते हैं फर्टिलाइजिंग एंजाइम पे। तो फर्टिलाइजिंग एंजाइम हमारे कौन कौन से, पहला हो गया एक्रोसिन, दूसरा हो गया हाइलोरूनिडेज, ठीक है। तीसरा हो गया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, फिर डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड, ठीक है। नेक में क्या होता है, नेक में हमारा होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हमारा क्या करता है, यूज ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज। जब हमारा फर्स्ट क्लीवेज होता है तो उसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का वर्क रहता है। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट हेल्प टू मेक टेल, ये टेल की टेल को बनाने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। और नीबरकन क्या होता है, ये अरेंज होता है स्पाइरली, किसमें, किस शेप में, कैसे अरेंज होता है, ये स्पाइरली अरेंज होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे।
देन आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, कब, जब हम प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से क्या होता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन हमारा कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन। ये क्या कर देगा, स्पर्मेटोगोनिया जो तो उस वो होता है हमारा 2n, फिर ये यहाँ पे माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होगा तो ये 2n 2n में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया, एक हमारा स्पर्मेटोगोनिया ए मान लेते हैं और एक स्पर्मेटोगोनिया बी मान लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही कैसे हमारे, दोनों ही हमारे 2n 2n है। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया होगा, एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, स्टेम सेल का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करता है, स्टेम सेल का। और जो दूसरा स्पर्मेटोगोनिया होता है वो हमारा स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, ग्रोथ करके स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है, फिर उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, हमारा मियोसिस वन होता है। क्या होता है, मियोसिस वन। फिर उस मियोसिस वन होने के बाद से वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो गया, मियोसिस हो गया। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मतलब मियोसिस, मियोसिस का मतलब हमारा रिडक्शनल डिवीजन, ये 2n था तो रिड्यूस होकर n प्लस n में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब nn में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक n में हमारा चला जाएगा 22+x और एक n में हमारा चला जाएगा 22+y। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, हमारा मियोसिस 2 अकर होगा, फिर से मियोसिस 2 अकर हो रहा है, तो मियोसिस 2 हमारा रिडक्शनल डिवीजन, फिर और टूटेगा, तो ये n n और n जो था ये n n n चार n में टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। तो देखिए, जो हमारे हाफ n होंगे वो 22+x होंगे, और जो हमारा हाफ n होगा वो 22+y होगा। अब यहां पर पे हमारा क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। स्पर्मेटिड बन गए, स्पर्मेटिड के बाद से मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं, या फिर इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होगा या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो हमें स्पर्मेटिड से क्या मिल जाएंगे, स्पर्मेटोजुआ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा जल्दी ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। थैंक यू, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।